हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस विद्रवी दुबे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग यूपीएससी सीसैट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और उसी श्रृंखला में आज हम फिर से आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सेशन की शुरुआत करें इससे पहले, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा यूपीएससी आईएएस 2025 के लिए फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारी टीम के द्वारा जो है चालू किया गया है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप इस बैच से जरूर जुड़िए, क्योंकि यह बैच जो है आपको अपनी सफलता को निश्चित रूप से जरूर दिलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो फटाफट से आप जाइए और इस लिंक को ओपन करके इस बैच से जरूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए, तो अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन, आप इसको रीजनिंग में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मैथ्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन एवर ही लूजेस अ मैच, इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट इन अ टाई और ड्रॉ, हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। 125 प्रतियोगी वाले शतरंज के टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी मैच हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यह दिया है कि किसी भी मैच का परिणाम टाई या नहीं होगा, टाई या ड्रॉ नहीं होगा, तो पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाते हैं। देखिए, तो जब भी आपको इस तरीके से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस प्रश्न के लिए डायरेक्ट ट्रिक होती है, और वो ट्रिक आपकी क्या होती है, एन माइनस वन। कितनी आपकी ट्रिक क्या होती है, एन माइनस वन, इसकी क्या होती है, ट्रिक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक आपकी क्या है, एन माइनस वन। एन का मतलब यहां पर क्या है, एन का मतलब यहां पर क्या है, जितने प्रतियोगी उस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। एन का मतलब क्या है कि जितने भी प्रतियोगी उस टूर्नामेंट में भाग लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एन ना। इसके बाद तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एन माइनस वन। अब यहां पर एन की वैल्यू कितनी है, 150, तो 150 में से आप एक को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 149, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे कितना सिंपल सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, और ये सवाल आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई प्रश्न पूछा जाए, उसके लिए डायरेक्ट आपकी ट्रिक क्या होती है, एन माइनस वन आप माइनस कर दीजिए। टोटल आपके पास 150 प्रतियोगी थे, उसमें से आपने क्या कर दिया, एक को माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया, 149। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्शन का बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में आया था, इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक आदमी अपने घर से पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, और फिर 50 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, और फिर से 25 मीटर चलता है। यदि उसका घर पूर्व की दिशा की ओर हो तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा क्या है। अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 meters, देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 meters अगेन, then he turns towards left and again walks 25 meters. If he house face to the east, what is his direction from the starting point? देखिए, जब भी आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो एक डायरेक्शन के टाइप 4 का क्वेश्चन है, और टाइप 4 के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको फिगर आउट बनाना पड़ेगा, फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता यहाँ पर होगा कि अगर हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए आपका यहां पर होता है ईस्ट, यहां पर आपका होता है, उसी के जस्ट में आपका वेस्ट होता है, ऊपर आपका नॉर्थ होता, नीचे आपका क्या होता, साउथ होता है। ये क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। कहां से चल रहा है, घर के पीछे से चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में एक बात ही कहा गया है कि उसका घर पूर्व की दिशा की ओर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसका जो घर है वो पूर्व की दिशा की ओर है, तो जाहिर सी बात है उसने कहा गया कि उसका जो घर है वो पूर्व की दिशा की ओर, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है। और ऊपर कहा गया कि आदमी अपने घर के पीछे की ओर से चलता है, तो उसका घर कहाँ है, पहले हमने बोला कि ईस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन वो अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से चलता है, तो जाहिर सी बात है ईस्ट का पीछे, मतलब ईस्ट के पीछे आपका क्या होगा, वेस्ट ही होगा। अगर ईस्ट के पीछे आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यदि उसका घर पूर्व दिशा की ओर है तो घर उसका पूर्व दिशा की ओर है, इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है। और कह रहे कि एक आदमी अपने घर के पीछे से 25 मीटर चलता है,
तो घर उसका ईस्ट डायरेक्शन में है और वो पीछे से चलता है, इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर चलता है। ये बात आपको ध्यान देना है, तो आप बना लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट डायरेक्शन मतलब यहां से ये 25 मीटर चला यहां पर, कहां? वेस्ट डायरेक्शन में। फिर यहां पर कह रहा है, हाँ, एक आदमी अपने घर से पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या करता है वो? दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब, एक सेकंड, आप इसको थोड़ा स्पेस बना दीजिए यहां पर। देखिए, सबसे पहले क्या है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट डायरेक्शन में 25 मीटर चलेगा। फिर कहता है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इसका मतलब इधर राइट साइड में मुड़ता है। और कितना यहां पर चलता है, ये आपका बोला गया 50 मीटर चलता है। कितना चलता है आपका? 50 मीटर चलता है, तो 50 मीटर चलता है। फिर कहता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाएं का मतलब इधर हो जाएगा। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है आपका? 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर फिर वो क्या करता है, चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर यहां पर चलता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है, यदि उसका घर पूर्व की दिशा की ओर है तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी, कहां से पूछा गया? प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु आपका यहां है और लास्ट में वो कहां पर पहुंचा? यहां पर पहुंचा है। तो पूछा गया उससे दूरी, तो ध्यान देना, जिस बिंदु से पूछा जाता है डायरेक्शन, उधर से आपको क्या चलाना होता है? तीर चलाना होता है। और कहां पे चलाना होता है? जहां पर एंड किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु आपका यहां है और अंत में पहुंचा कहां है? यहां पर है। तो इसकी डायरेक्शन आप ऐसे यहां से निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप यहां से डायरेक्शन निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ का मतलब क्या है? नॉर्थ। अगर हम बात करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ का मतलब क्या होगा? नॉर्थ। और इसके बाद आप देखेंगे इधर साइड में है, इसका मतलब आपका वेस्ट है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें इसी डायरेक्शन को, तो ये डायरेक्शन आपका क्या होगा? इस तरह से ये जो डायरेक्शन होगा आपका क्या होगा? नॉर्थ और वेस्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहां से इधर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से एक कौन सा डायरेक्शन होगा? तो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब आपका क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। और इधर है, अगर आप इधर देखेंगे तो इधर साइड में आपका कौन होता है? वेस्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। आपको मैंने यहां पर भी बता दिया, तो आप इस डायरेक्शन को देख रहे हैं तो आपका नॉर्थ है, इधर आपका क्या है? वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये व्यक्ति जो है यहां पर पहुंच गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला था? उसका जो घर है कहाँ है? पूर्व दिशा में है, लेकिन वो पीछे से चलता है, इसका मतलब वो पश्चिम की ओर से चलना चालू करता है। तो पहले वो पश्चिम की ओर चलता है 25 मीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है, नहीं, फिर वो कहां मुड़ता है? हाँ, फिर वो आपका यहाँ पर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वो बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये था, अंतिम बिंदु आपका ये था। तो यहां से इसके डायरेक्शन बताना है और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर आपका? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, देखिए सिलॉक्स का बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया है। देखिए सिलॉक्स के जो सवाल होते हैं उनको जब भी आप सॉल्व कीजिए ना, एक आपके पास होता है कि वेन डायग्राम से सॉल्व करना, दूसरा आपके पास क्या होता है कि आप 150 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप 100 और 50 मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपको ध्यान देना होता है क्या, कि जो सभी होता, सभी का मतलब होता है ऑल। तो सभी को हम किससे दिखाते हैं? 100 से। और कुछ मतलब होता है सम, उसके लिए हम क्या करते हैं? 50 का यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बात यहां पर बता दे रहा हूं कि अगर आपका ऑल है, ऑल का मतलब क्या होगा? सभी। तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, 100 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका कुछ है, कुछ का मतलब क्या होता है? सम, तो उसमें आप क्या करेंगे? 50 का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं आपको कंसेप्ट भी यहां पर बता दे रहा हूं। और एक बात ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, जिसमें नहीं नहीं होगा, वो आपका जान लीजिए क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन निकले। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू वहां पर क्या होगी? 50 होगी। मैं यहां पर बता रहा हूं कि पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? 50। और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू यहां पर ऑब्जेक्ट की कितनी होगी? 100 होगी। ये बात आपको यहां पर ध्यान देना है। चलिए अब यहां पर जो आपको स्टेटमेंट दिया करा कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं,
सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी बिल्लियां काली हैं, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों आपके क्या हो गए, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गए ना। अब यहां पर ध्यान देना है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यहां पर सभी है, तो सभी के लिए मैंने क्या बताया, क्या लगेगा आपका, 100 लगेगा। तो सभी के लिए यहां पर 100 लगेगा, तो आपका ये 100 हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती कितनी होती, 50, यहां पर कुत्ते की वैल्यू कितनी होगी, 50 हो जाएगी। फिर देखिएगा यहां पर ये भी पॉजिटिव है और साथ ही साथ सभी है, तो सभी के लिए बिल्ली यहां पर 100 हो जाएंगी और यहां पर पॉजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। इतनी बात आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष क्या दिया है कि सभी कुत्ते काले हैं, तो सभी की बात कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हम 100 की बात करेंगे। इसके बाद सभी की यहां पर बात की, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुत्ते की वैल्यू जो इसमें निष्कर्ष में आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी। और ये भी आपका पॉजिटिव है, आपका निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये 100 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, सभी कुत्ते काले, आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कुछ है तो कुछ क्या मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी और यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट होने का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और एक बात आपको यहां से स्पष्ट है कि ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है, इसलिए सेकंड वाला तो 100% ट्रू नहीं होगा। ध्यान देना, ऊपर आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे आप देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला है उसमें कह रहे हैं कि कुछ कुत्ते काले नहीं है, निगेटिव आपके आ गया, तो पॉजिटिव से कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ध्यान देना। तो सेकंड वाला तो 100% ट्रू नहीं है। पहले की बात करते हैं, इसमें बोला कि सभी कुत्ते काले हैं, तो सभी कुत्ते काले हैं इसका मतलब हमको कुत्ते और काले में जाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बिल्लियां हैं, ऊपर भी बिल्लियां और नीचे भी बिल्लियां हैं, तो दोनों आपके कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए अब यहां पर कुत्ते की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहां भी कुत्ते की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे किसकी बात कर रहा है, सभी कुत्ते आपके क्या हैं, काले हैं, कह रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं, यहां पर कुत्ते की वैल्यू स्टेटमेंट में 50 है जबकि यहां पर कुत्ते की वैल्यू 100 है, क्या 50 से 100 बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता है। और काले की वैल्यू अगर आप देखिए यहां पर 50 है और यहां भी 50 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप शुरुआत में देखेंगे कुत्ते की वैल्यू 50 थी, लेकिन यहां पर कुत्ते की वैल्यू क्या बोला है, 100 बोल दिया है, तो क्या 50 से 100 बन सकता, कभी नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें सभी कुत्ते काले हैं, आपका स्टेट आपका निष्कर्ष गलत होगा, बल्कि ये क्या होगा, यहां पर कुछ कुत्ते काले होंगे, क्योंकि 50 का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, 50 का मतलब क्या होता है, कुछ होता है, तो 50 से कभी भी आप 100 नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपका ए वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे, सेकंड वाला, ना तो एक निष्कर्ष और ना ही दो निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। तो एक बार फिर से आप इसको जल्दी से देख लीजिए, जब भी हमने बात किया ऑल की बात करेंगे, ऑल का मतलब होता है सभी, तो उसके लिए आप 100 यूज करेंगे, कुछ का मतलब होता है सम, उसके लिए आप 50 यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वहां पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी, और निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो वहां पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव रहेगी। तो पॉजिटिव से आप निगेटिव कंक्लूजन नहीं बना पाएंगे और निगेटिव स्टेटमेंट से आप पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनाएंगे, इसका मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और निगेटिव से निगेटिव। तो जैसे ही आप इसमें देखेंगे कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं ये पॉजिटिव है, सभी बिल्लियां काली ये भी आपका पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए यहां पर ये वाला निगेटिव स्टेटमेंट है, ये आपका फॉलो नहीं होगा, तुरंत इसको गलत कर देंगे। फिर आप इस पे आएंगे, यहां पर सभी था तो बिल्लियों की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखेंगे, और इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि निगेटिव आपका बनने ही वाला नहीं है। इसको भी अगर देखना चाहें तो सभी है तो 100 हो गया, पॉजिटिव है तो यहां पर 50 हो गया, तो ए वाला तो आपका तुरंत रॉन्ग हो गया, आप ऐसे देख ली, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बन सकता है। इसकी हमने बात किया तो सभी कुत्ते काले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमको कहां से कुत्ते और काले में संबंध देखना है, तो कुत्ते और काले में संबंध देखना, इसका मतलब यहां पे हमको संबंध देखना है, तो ऊपर बिल्लियां कॉमन, नीचे भी बिल्लियां कॉमन, दोनों आपस में कट जाएंगे, और यहां पर कुत्ते की वैल्यू 50 है और यहां पर कुत्ते की वैल्यू 100 दिया है, क्योंकि स्टेटमेंट में 50 है और निष्कर्ष में आपको 100 दे दिया है, तो क्या 50 से 100 बन सकता, नहीं बन सकता। 50 होने का मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था सही, कि कुछ कुत्ते काले हैं तब आपका सही होता है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो आपका क्या होगा, यहां पर फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसकी बात करें तो आपका ये मैथ्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी आप इसको मान लीजिए।
तो यहाँ पर क्या बोला है कि दो कथन है और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराने का हमारा मकसद क्या है कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आए। अगर हम चाहें तो इन क्वेश्चन को आपको 10 से 12 सेकंड के अंदर सॉल्व करके हम दे सकते हैं, बट आपको कंसेप्ट वहां पे समझ में नहीं आएगा। तो हमारा उद्देश्य इसमें यही है कि हम आपको पूरी तरह से कंसेप्ट भी सिखाते हुए चले ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला है कि दो कथन और उसके दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि सभी संख्याएं दो से विभाज्य हैं और सभी संख्याएं तीन से विभाज्य हैं। निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी संख्याएं छह से विभाज्य हैं। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या दो से विभाज्य है और कोई संख्या तीन से विभाज्य है, तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों के गुणनफल से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। इसका मतलब अगर कोई संख्या दो से विभाज्य है और कोई संख्या तीन से विभाज्य है, इसका मतलब इन दोनों के गुणनफल यानी उससे भी क्या हो जाएगी, बड़े आसानी के साथ विभाज्य होगी। इसका मतलब सभी संख्याएं छह से विभाज्य हैं, ए वाला आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर देखिए सभी संख्याएं चार से विभाज्य है, ए पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर कोई संख्या दो से विभाज्य है, कोई संख्या तीन से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी भी संख्याएं हो सब चार से विभाज्य होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लीजिए 27 की जैसे हमने बात किया, वो तीन से विभाजित है, क्या चार से विभाजित होगी, नहीं होगी। हमने बात किया 9 तीन से विभाजित, क्या वो चार से होगी, नहीं होगी। तो एक कोई ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर संख्याएं दो और तीन से विभाज्य है तो चार से भी विभाजित होगी, बिल्कुल गलत होगा। वो सभी संख्याएं छह से विभाज्य होगी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो दो से विभाज्य है, जो तीन से विभाज्य है, उनके गुणनफल से भी क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। इसका मतलब पहला वाला आपका सही होगा, दूसरा वाला आपका क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक आपका क्या करेगा, यहां पर अनुसरण करेगा। केवल निष्कर्ष एक आपका क्या करने वाला है, यहां पर अनुसरण करने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, तो ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर आ गया है। यहां पर क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाई एन ऑर्डर नंबर इन द अबव सीक्वेंस। इसमें क्या बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, इसमें क्या बोला है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद जो है विषम संख्या आती है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पर इसमें क्या बोला, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितने ऑड नंबर्स हैं जिनके तुरंत बाद जो है ऑड नंबर आ रहा है, उसी को आपको यहां पर चेक करना। देखिएगा यहां पे पहले भी इसको देखेंगे, पांच यहां पर काउंट होगा, बिल्कुल काउंट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद आपकी विषम संख्या आ रही है। एक आपका काउंट होगा, नहीं काउंट होगा क्योंकि इसके बाद जो है सम संख्या आ रही है। चार आपका काउंट हो ही नहीं सकता क्योंकि सम संख्या है, इसको कोई मतलब नहीं है। सात की बात करेंगे तो सात के बाद देख रहे हैं कि तीन आ रहा है, आपकी विषम संख्या, इसका मतलब ये आपका यहां पर काउंट हो जाएगा। तीन के बाद यहां पर नौ आ रहा है, ये भी आपका काउंट होगा। नौ के बाद आठ आ रहा है, ये आपका काउंट नहीं होगा। अब विषम संख्या की हम बात कर रहे हैं। फिर देखिएगा पांच के बाद सात आ रहा है, इसका मतलब एक काउंट हो जाएगा, लेकिन सात के बाद दो आ रहा है, आपका सात यहाँ पर काउंट नहीं होगा। फिर विषम संख्या देखते हैं, तीन के बाद एक मतलब एक काउंट होगा, एक के बाद पांच आ रहा है, भी काउंट हो जाएगा, लेकिन पांच के बाद आठ, आठ आपका सम संख्या, एक काउंट नहीं होगा। आठ के बाद छह आ रहा है, ये आपका काउंट नहीं होगा क्योंकि आपकी सम संख्या है सब। अब देखिए छह के बाद तीन ना सम संख्या है, अब तीन के बाद आठ आ रहा है, भी आपका काउंट नहीं होगा। फिर यहां पर देखेंगे पांच के बाद दो, ये आपका पांच विषम संख्या, लेकिन इसके बाद कोई भी विषम संख्या नहीं आ रही, ये काउंट नहीं होगा। फिर देखिए दो, इसका मतलब तीन आ रहा है, तीन के बाद चार, ये भी आपका यहां से काउंट नहीं होने वाला है। तो काउंट कितना होगा, एक दो तीन चार पांच और छह, इसका मतलब छह संख्याएं ऐसी हैं जिनके तुरंत बाद में क्या आ रहा, विषम संख्याएं आ रही है। यानी छह विषम संख्याएं ऐसी हैं जिनके तुरंत बाद में विषम संख्याएं आ रही हैं। सिक्स ऑड नंबर्स इसमें ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद ऑड नंबर्स यहां पर आ रहे हैं। तो आज हमने इन पांच बेहतरीन सवालों को सॉल्व किया जो कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिनको भी जरूरत है आप उनको जरूर शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी फायदा हो सके जो जो है फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे मेंटोरशिप बैच को जरूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से डायरेक्ट ओपन करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वास कीजिए आपको वहां पर बहुत अच्छी तरीके से मेंटोर किया जाएगा, हर वो चीज बताई जाएगी जो आपके यूपीएससी में प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड नाइट।